सच साहस सरोकार। संभल में डीएम ने गौशाला का किया निरीक्षण, आमजन को गौ रक्षा करने का दिया संदेश। संभल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदायूं में डबल मर्डर से क्षेत्र में मची सनसनी, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ में युवक ने लगाया अपने भाई पर आरोप, फर्जी मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। देवरिया में अज्ञात युवक का मिला शव, शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क में सरदार पटेल की प्रतिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरदार पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे, आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्र की अखंडता व एकात्मता के प्रतीक। लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भी जिस महापुरुष को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। संभल में जिलाधिकारी ने गौशाला का निरीक्षण किया, गोवंश को टाट और झूल पहनाकर आमजन को गौ रक्षा करने के लिए संदेश दिया। साथ ही डीएम ने साफ सफाई एवं शुद्ध पेयजल एवं पशुओं को आहार लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौशाला में अच्छी नस्ल वाली गायों के लिए क्रॉस करने व उनकी देखभाल करने के भी निर्देश दिए। तो वहीं ठंड को दृष्टिगत रखते हुए गोवंश को अपने हाथ से टाट की झूल उड़ाकर सराहनीय कार्य किया। खबर संभल से है जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से अवैध शस्त्र एवं शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को क्या न्यायालय में पेश किया और आगे की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद के कल्लूगढ़ी रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रील बना रहे युवती और युवक को ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान के प्रयास में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ के निधई का पूर्वा गांव में एक युवक को उसके ही भाई के द्वारा उसे फर्जी मुकदमे में तहरीर देकर फंसाने का आरोप लगाया है, जबकि युवक का कहना है कि मामूली विवाद को लेकर दोनों में कहा सुनी हुई थी। तो वहीं युवक ने उच्च अधिकारियों के मामले में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। जी, हम मारपीट का थोड़ा एक गाय की वजह से, गाय हमारी चरी नहीं है, उसको जो है झूठा इंजाम लगा के कि तुम्हारी गाय चरी है, वो थाने में आके हमारे ऊपर जो है FIR किए हैं, 376 का केस लगा रहे हैं, ये झूठा जो है जी जो है। जबकि वास्तविक मामला क्या है? वास्तविक मामला यही है कि गाय जो है चर ली थी दो पेड़, और वो इन्होंने देखा नहीं है, कोई देखा नहीं है, सिर्फ ये वहीं बगल में चर रही थी, उसके देखने कारण की जो है ये कि तुम्हारी गाय चरी है। और हम गए जो है वहाँ, इनसे बोलने लगे तो हम सिर्फ जो है भिड़ गए,
हमारे नाखून मार दिए कि क्या मार दिए, नाक पे तो कोई लग गया है। हरदोई में लोनार इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक युवक ने फाइनेंसर से तंग आकर अपनी बाइक को आग लगा दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बाइक धू धू कर जलने लगी। इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर एसएसपी पश्चिमी ने बताया कि एक युवक बाइक का किस्त न जमा करने से फाइनेंसर के उत्पीड़न से परेशान था। फिलहाल पूरे मामले में अभी तक तहरीर नहीं हुई। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर फरीदाबाद से है, जहां के सेक्टर 23A में बीती रात चोरों ने एक साथ लगभग दो दर्जन मारुति कंपनी की गाड़ियों की बैटरी चोरी की। बता दें कि इस इको गाड़ी में सवार होकर आए दो चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। साथ ही चोर निजी चैनल के पत्रकार की वैगनार गाड़ी की बैटरी भी चुरा ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई तो वहीं पीड़ित लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस की सुस्ती और इलाके में गश्त न होने के चलते लगातार चोर फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देवरिया के बैकुंठपुर गांव के पास दोपहर एक अज्ञात युवक का शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खून से लथपथ शव को कुछ स्कूली बच्चों ने देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना किसी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां एक बड़े नेत्र हॉस्पिटल में लापरवाही सामने आई है। आनंद नेत्रालय हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मिलकर मोतियाबिंद ऑपरेशन लेस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा, जहां डॉक्टरों ने बिना परीक्षण के ही महिला का उपचार प्रारंभ किया। महिला का नेत्र बनने से पहले ही मौत हो गई, जिसकी सूचना पाकर परिजन हॉस्पिटल में पहुंचे और दहाड़ मारकर रोने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जिला अस्पताल। और आपको बता दें, परिजन के न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर सीएमओ ने कहा कि मामला संज्ञान में है, जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इसमें जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उचित कार्यवाही की जाएगी। शांति दें, मैं इस मामले में डॉक्टर निशान सिंह से बात किया हूं। बात करने पे पता लगा कि जितने भी मरीज जाते हैं हॉस्पिटल में, कैंप में चेकअप होता है, जांच में यही देखा जाता है कि मोतियाबिंद है या नहीं। और जो लोग जांच में पाए जाते हैं मोतियाबिंद और अगर ऑपरेशन कराने के इच्छुक हैं तो सिर्फ उन्हीं मरीजों को हॉस्पिटल लाया जाता है। मैं कैंप में सभी मरीजों को, चाहे मेरे जितने भी पुराने कैंप हुए चाहे कल का कैंप हुआ, हर कैंप में यही लोगों से कहता हूँ कि भाई जिसकी इच्छा हो जाए, जिसकी इच्छा ना हो न जाए। तो जो मरीज स्वेच्छा से जाते हैं तो कैंप में आने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर अपनी प्रक्रिया के तहत उनका आँख में ड्राप वगैरह डालते हैं, फिर ओटी में अपना ले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जो भी बिरना कैंप के मरीज आए थे, जिनका भी ऑपरेशन हुआ, सबका सक्सेसफुल हुआ और सब लोग सक्सेसफुल घर गए। अंजनी सिंह कोई सपा का नेता है ना, तो वो उनके द्वारा कैंप लगा था, तो वो लेके गए और हमारी मम्मी भी, सारे लोग गए थे वहाँ पे और वो भी गई। अब वहाँ जाकर डॉक्टरी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये लोग क्या किए हैं उसके साथ, है ना, पता नहीं हमको, कोई पता नहीं, परिजन कोई गया नहीं। हम इस घटना को हमने संज्ञान में लिया है और इसकी उस कुछ स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी चीज़ें सामने निकल के आएंगी जांच के बाद उस पर फिर यथाउचित कार्रवाई भी की जाएगी। क्या डेटा वो प्रोवाइड करते हैं वीकली या मंथली, किस हिसाब से डेटा? हाँ जी, वो डेटा रेगुलर बेसिस पे हमें प्रोवाइड करते हैं कितने लोगों की, कितने पेशेंट्स का ऑपरेशन कर लिए है वो, और उस डेटा के हिसाब से भी हम आगे की कार्रवाई करते हैं। तो देखते हैं कि इस प्रकरण में क्या हुआ है, इसकी एक डिटेल हम इंक्वायरी करवाएंगे और इंक्वायरी में जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसको हम। बुलंदशहर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने वाली पत्नी प्रेमी के साथ गिरफ्तार हो गई। बता दें कि पत्नी ने पति की हत्या कराने के बाद पति की सड़क हादसे में मौत का मुकदमा दर्ज कराया था और जांच में सच सामने आने के बाद पुलिस ने मृतक पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। सुनीता वाइफ अपोन है, ये इस
मुकदमे की विवेचना चल ही रही होती है। इसी दौरान चोला थाने में 3 दिसंबर को एक गुमशुदगी लिखी जाती है जिसमें इंद्रपाल शनाफ दासी गुमशुदा है। इस इंद्रपाल की तलाश में जब चोला पुलिस सक्रिय होती है, इसके बाद जब ये मिलता है तो पता चलता है, इसे जब सख्ती से पूछताछ होती है तो इंद्रपाल द्वारा ये बताया गया कि जो एक्सीडेंट का मुकदमा खुर्जा थाने में लिखा गया तो एक्सीडेंट की घटना नहीं है। वास्तव में ये उस मृतक जिसको एक्सीडेंट में मारा जाना दिखाया गया है पवन, उसकी पत्नी सुनीता द्वारा। औरैया के गड़िया गांव का एक युवक बाइक मवेशी से टकरा गई जिसके बाद युवक घायल हो गया। घायल युवक को ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने जिला अस्पताल औरैया पहुंचाया। साथ ही परिजनों को भी सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि जब युवक को अस्पताल में लाए तो कोई डॉक्टर नहीं था। मौजूद स्टाफ ने बाहर से एक इंजेक्शन मांग कर लगाया और कानपुर ले जाने की सलाह दी। एम्बुलेंस को कॉल करने पर 2 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वहीं घायल की हालत बिगड़ती देख परिजन अस्पताल के बाहर खड़े प्राइवेट वाहन को किराए पर लेकर घायल को उपचार के लिए कानपुर ले गए। मेरा भाई है जो अभी मोटरसाइकिल से आ रहा था, एक गाय का बछड़ा निकला रोड से, तो उसको बचाने में उनका एक्सीडेंट हो गया, डिवाइडर टकरा गया। 1 घंटा लगभग हो गया है मेरे को फ़ोन किए हुए, 2 बार 108 एम्बुलेंस फ़ोन कर चुका हूँ, अभी तक कोई गाड़ी का इंतजाम हुआ ना ही यहाँ कोई स्टाफ बताने के लिए जा रहा है आपको गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो लखनऊ से अभी ये बोल देते हैं अभी आपको मिल रही है मिल रही है, वेट कर कितना वेट किया जाए, हम लोग परेशान हो चुके हैं। बताइए अगर ये सरकार ये सब नहीं कर सकती, मैं प्राइवेट लेके जाएँ कहीं और कोई काम करवाएँ किसी से, क्या करें, पर मजबूर हैं बैठे हुए यहाँ पे आप। खबर बदायूं से है जहां घर में चारपाई पर लेटे पति पत्नी के सिर में चोट मारकर हत्या कर दी जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस SPCT CO दातागंज घटनास्थल का मुआयना किया और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। सन ऑफ कन्हई द्वारा 112 नंबर पर ये सूचना पुलिस को दी गई कि उनके भाई सोमवीर और इनकी भाभी खुशबू की, उनके ही चाचा अमर सिंह व चचेरे भाई सत्येंद्र व अन्य 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लोहे की रॉड से हमला करते हुए उनकी हत्या कर दी गई है। और इस हत्या का जो मोटिव है वो उनकी कोई जमीन के बंटवारे को लेकर जो विवाद चला रहा था उसको लेकर के था। इस संबंध में थाना स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इसमें दोनों ही नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और मृतक के परिजनों द्वारा। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। Goodbye.